हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आ चुका हूँ तरबूज के बगान में। तो तरबूज अभी बढ़ गया है, करीब हर तरबूज बड़ा साइज का जो हुआ है 2 किलो 2.5 किलो हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको अभी तरबूज का भी जो अभी का जो है उसको मैं आप लोगों को बाइक कैमरा से दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं अपने इस चैनल पे वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरबूज के बगान में आने के लिए कोलबीरा आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमडेगा के कोलबीरा प्रखंड में है। तो सबसे पहले आप लोगों को कोलबीरा आना पड़ेगा, उसके बाद शाहपुर पंचायत आना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी से भी पूछ लीजिएगा कि तरबूज की खेती कहाँ की गई है, तो कोई भी आप लोगों को बता देंगे कि तरबूज की खेती किधर है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस मोबाइल के बाइक कैमरे से दिखाता हूँ कि तरबूज कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा तरबूज है, सब बड़ा नहीं हुए लेकिन कुछ कुछ बड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ इतना बड़ा है। अभी इसी साइज का जो सबसे बड़ा तरबूज है वो लगभग इसी साइज का है, तो ये करीब 2 से 2.5 किलो का है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ किधर कितने आगे तक किया गया है खेती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कर जो तरबूज की खेती की गई है ये करीब 9 एकड़ में की गई है। मेरे भैया के द्वारा यह खेती की गई है, वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि यह तरबूज का खेती कितने बड़े जगह में और अच्छे तरीके से हुआ है। तो देखते हैं आने वाले समय में कि कितना तरबूज का फल निकलता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को पूरा बगान घूम करके दिखाऊंगा कि ये कितने बड़े जगह में की गई है, क्योंकि खड़े खड़े पता नहीं चलता है कि यह खेती कितने जगह में बड़े जगह में की गई है। तो मैं अभी आप लोगों को चलकर दिखाऊंगा आगे कि यह कितने बड़े जगह में खेती की गई है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। Thank you.
तो दोस्तों आपने जिस वीडियो क्लिप को देखा उसमें आप लोगों को तरबूज नजर नहीं आया होगा, क्योंकि तरबूज जो है पत्ते से छिप गए हैं इसलिए तरबूज नहीं दिखते हैं। वो जब हम लोग फल को डाली से अलग करेंगे तभी अच्छा से तरबूज दिखेगा, नहीं तो वो पत्ती से छिप जाता है जिसके कारण से वह नहीं दिख पाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले समय में एक नए वीडियो के साथ।